हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और देखिए, सुबह के 10 बजने वाले हैं अभी। और आज है दिन, बुधवार है आज। अभी देखिए, मैंने पूजा भी कर ली है, जोत भी जगा ली है। और अभी आपको थोड़े से वास्तु टिप्स का आज मैं बताऊँगी कि घर में जैसे वास्तु दोष होते हैं ना, तो उन्हें मिटाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, आलू पूड़ी बनाऊंगी, अभी शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए आपको बताती हूँ कि हमें जब हमारे घर में वास्तु दोष वगैरह होते हैं, या कोई भी आपको नेगेटिविटी लगती है, जैसे कि बीमारी घर से नहीं निकलती है और घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या बिना मतलब के ही क्लेश हो जाता है जैसे घर के अंदर, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। और बिल्कुल ईजी उपाय बताऊँगी भी आपको, और बिल्कुल कारगर उपाय हैं, आप ज़रूर करके देखिएगा उन्हें। तो चलिए शेयर करती हूँ वास्तु दोष की जानकारी आज। देखिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें इस तरीके का कपूर होता है, ये बिल्कुल शुद्ध कपूर इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं भीमसेनी कपूर। आप ये वाला कपूर जो है मार्केट से ले आएं। और इस तरीके की पीली सरसों भी बोलते हैं हम पंजाबी लोग, इसे गोरी सरसों बोलते हैं, सफ़ेद सरसों होती है जो। और इसे इस तरीके से किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर आपको जो ये कपूर को अच्छे से इसमें तोड़ देना है। और इसकी जो इसको धुकाना है, इसको जलाकर पूरे घर में आप इसको घुमाएं सुबह और शाम। आप 15 दिन इस उपाय को करके देखें, आपके घर की नेगेटिविटी ज़रूर दूर हो जाएगी। और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना दोस्तों, हमारा मन भी लगता है घर में, जैसे मन उचाट हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कपूर जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, और इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है घर की। आप इसे ज़रूर जो है इसका उपाय करके देखें। और जितनी भी आपके घर में बीमारी वगैरह, जो ज़्यादातर बीमार लोग रहते हैं, उनके पास तो इसे ज़रूर जला कर रखें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने जला दिया है ना, और मैं इसको चारों तरफ घर में घुमाऊँगी, और मंदिर में भी देखिए। और अच्छे से ना पूरे घर में इसको घुमाएं, इसका जो धुआं है अभी निकलना शुरू हो जाएगा और फैलेगा पूरे घर में, तो उससे जो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और नेगेटिविटी सारी जो है दूर हो जाती है। देखिए, अभी मैं इसको यहीं पर रख दूँगी, अभी ये जल जाएगा ना, तो इसका धुआँ एकदम से हो जाएगा। और आप जो है, इससे कहते हैं कि हमारे वास्तु दोष जो है पूरे सही हो जाते हैं, जो भी घर में होता है नेगेटिविटी वगैरह सब सही हो जाती है। देखिए, गोरी सरसों या सफ़ेद सरसों या पीली सरसों, जो भी आप बोलते हैं इसे, इसका एक उपाय और भी है। आप देखिए, इस तरीके से किसी भी फैंसी प्लेट पे इसको रख दें, कांच का जैसे बाउल होता है उसमें निकाल कर रख दें, और जहाँ पे आपके मेहमान वगैरह आकर बैठते हैं या ड्राइंग रूम वगैरह में, वहाँ पर टेबल में सेंटर में इसको रखें, और ऊपर से जैसे जैसे पत्थर वगैरह से भी डेकोरेट कर दें, अच्छे लगते हैं। इसमें स्टोन भी आते हैं आजकल कलर्ड कांच वाले, वो भी रख सकते हैं आप। तो ये देखिए, इससे भी जो है नेगेटिविटी घर में प्रवेश ही नहीं होती। अगर आती भी है ना नेगेटिविटी, या जैसे नेगेटिव लोग हमारे घर में आ जाते हैं और इस तरीके से गलत बातें भी करते हैं आपके साथ, मन में तो उनके कुछ और होता है, और ऊपर से आपके साथ वो अच्छी बातें करते हैं, तो जो ये वाली पीली सर जो है ना, उनकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो आप इस तरीके से सजा कर रख सकते हैं अपने टेबल पर, जहाँ पर भी आपके मेहमान वगैरह आकर बैठते हैं। तो जो ये उपाय भी बहुत बढ़िया है, आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और आप ना इस गौरी सरसों को जो है चारों तरफ अपने कोनों में, घरों में, घर के अंदर जो छिड़काव भी कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है दोस्तों। और मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जानकारी इसीलिए है क्योंकि मेरे पास एक किताब है, जंत्री है हमारे पास, मैं उसमें से उपाय पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप, मैं अपने YouTube फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप ये उपाय करके देखिए, कोई भी मुश्किल भी उपाय नहीं है। और आप एक बार ये सफ़ेद सरसों घर में ले आएँ और ये उपाय जो है करते रहें, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, ये है पहाड़ी नमक होता है, इसको बोलते हैं रोड़ी वाला नमक भी बोलते हैं, डली वाला। तो ये भी आप घर में लाएँ, और शनिवार और मंगलवार को अपने घर में इसका पोछा ज़रूर लगवाएँ। मैं भी ये अधिकतर करती रहती हूँ, बीच बीच में मिस होता है, पर हमें करना चाहिए। इससे जो है घर से बीमारी क्लेश वगैरह सब दूर हो जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है, और नेगेटिविटी इससे भी दूर होती है। तो इस नमक का पोछा आप अवश्य लगाएं। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर करके देखिएगा। और इस नमक को भी आप किसी कांच की कटोरी में भरकर अपने बाथरूम के किसी कोने में रख दें। कहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी होती है ना हमारे घर में, और जो नेगेटिव लोग अपने नेगेटिविटी को छोड़कर जाते हैं, तो ये चीज़ें उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उनका असर जो है हमारे ऊपर नहीं होता है।
तो आप नमक वाला उपाय भी ज़रूर करके देखिएगा। इसे कटोरी में डालकर बाथरूम में एक साइड में रख दें, और आप इस सरसों के साथ भी इस नमक की कटोरी को रख सकते हैं सजाकर। नहीं तो आजकल मार्केट में ना इसकी लैंप भी मिल रही है नमक वाली, वो नमक उनको मतलब स्विच लगा होता है उसके अंदर, उसको आप लगाएं और वो जलता है, उसमें लाइट जलती है, कई लोगों ने देखा भी होगा, और वो भी एक लोगों ने अपने घरों में ला ला कर रखा हुआ है, तो वो भी जो है नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। लाइट लैंप ही होती है वो, एक तरह की नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉल्ट लैंप ही बोलते हैं उसको, तो आप वो भी ला कर रख सकते हैं। और आपने कई जगह पर मैंने तो देखा है कि कई दुकानदारों ने इतना बड़ा जो नमक का टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा वाला डला होता है, वो अपने काउंटर को टॉप पे ही रखा होता है दुकान की, वो इसीलिए रखा होता है ताकि अगर कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव लोग हमारे आसपास हैं तो वो जो उनका असर है हमारे ऊपर ना हो। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये जो भी मैंने वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताए हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, और आप जो है उसको शेयर भी करेंगे। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो और मेरी जो भी मैंने आपको जानकारी दी है अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट भी किया करें। दोस्तों आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है हमें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वास्तु दोष के उपाय कैसे लगे, और करिएगा भी ज़रूर। दोस्तों ये कोई मुश्किल भी नहीं है और महंगा भी उपाय नहीं है बिल्कुल भी। आप गौरी सरसों एक बार घर में ले आएँ, हम पूजा वगैरह के लिए तो लाते ही हैं, घर में पड़ी होती है, तो आप ज़रूर इस उपाय को करके देखिएगा 15 दिन, और मुझे बताइएगा कि आपने किया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ और वीडियो और ब्लॉग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय।